क्या आप भी शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज और घरेलू नुस्खों के साथ साथ प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानकारी देंगे, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। शुक्राणु की संख्या कैसे बढ़ाएं? आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से शरीर की पाचन शक्ति, हार्मोनल संतुलन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे शुक्राणु की संख्या में वृद्धि होती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और घरेलू नुस्खे प्राकृतिक तरीकों से काम करते हैं, जो दुष्प्रभावों से रहित होते हैं और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। शुक्राणु बढ़ाने का सफल आयुर्वेदिक उपाय। स्पर्मेक कैप्सूल एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, जो विशेष रूप से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और पुरुष प्रजनन क्षमता को सुधारने के लिए तैयार किया गया है। ये कैप्सूल पूरी तरह से प्राकृतिक अवयवों से बना होता है, जिससे किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स की चिंता नहीं रहती। स्पर्मेक कैप्सूल का नियमित सेवन शुक्राणुओं की गुणवत्ता और गतिशीलता में सुधार करता है और आपके यौन स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। शुक्राणु बढ़ाने की प्राकृतिक जड़ी बूटियां। गोखरू पुरुषों की कामेच्छा बढ़ाने, शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करने और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। शिलाजीत एक शक्तिशाली शक्ति वर्धक और एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की संख्या में सुधार करता है और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है। कोच बीज शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है, यौन क्रिया को बेहतर बनाता है और कामेच्छा को भी बढ़ाता है। सफेद मूसली शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाता है और यौन स्वास्थ्य का समर्थन करता है। शुक्राणु बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज। कसरत, कार्डियो एक्सरसाइज, दिन में कम से कम 30 मिनट की कसरत, जैसे कि तेज चलना, दौड़ना या साइकिल चलाना, रक्त संचार को बढ़ाता है और हार्मोनल संतुलन को सुधारता है, जो शुक्राणु की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पेल्विक फ्लो एक्सरसाइज, केगल एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगल एक्सरसाइज करें। यह एक्सरसाइज शुक्राणु के उत्पादन में सहायक हो सकती है और यौन स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है। स्क्वाट्स एंड लंजेस। स्क्वाट्स और लंजेस शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और रक्त प्रवाह को उत्तेजित करते हैं, जो शुक्राणु की संख्या को बढ़ा सकते हैं। योग। योग के आसन जैसे कि भुजंगासन और सर्वांगासन पेल्विक एरिया में रक्त संचार को बढ़ाते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जो शुक्राणु की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। पुरुष बांझपन और शुक्राणु बढ़ाने के घरेलू नुस्खे। रोजाना 4-5 अखरोट और बादाम का सेवन करें। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शुक्राणु की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है और यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पपीता और सेब का नियमित सेवन करें। इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शुक्राणु के उत्पादन को बढ़ाते हैं और उनकी गुणवत्ता में सुधार करते हैं। एक चम्मच अदरक के रस को एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। यह नुस्खा शरीर के हार्मोनल संतुलन को सुधारता है और शुक्राणु की संख्या को बढ़ा सकता है। पालक, मेथी और हरी मटर जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां शुक्राणु निर्माण के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इन व्यायामों और घरेलू नुस्खों का पालन करने के साथ साथ 3 महीने तक नियमित रूप से स्पर्मेक कैप्सूल लेने से आपको काफी मदद मिलेगी। स्पर्मेक कैप्सूल कैसे प्राप्त करें? स्पर्मेक कैप्सूल एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय है, जो शुक्राणु की संख्या को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में सहायता करता है। यह उत्पाद पूर्णतः प्राकृतिक है और किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट से मुक्त है। आप स्पर्मेक कैप्सूल को ayushremedies.in से खरीद सकते हैं और अपनी प्रजनन क्षमता को सुधार सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो देखें, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या खाएं?